तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आप ही न्यू यूट्यूबर हैं और अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाल डाल के थक गए हैं और अपना चैनल ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आप लोग इस वीडियो को देख के, जो मैं आज इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा तो अपने चैनल को ग्रो कर पाइएगा, आप लोग भी बड़े यूट्यूबर जैसे ग्रो हो जाइएगा कुछ ही दिनों में। तो आप लोग, जो मैं टिप्स देने वाला हूँ, तो आप लोग इस टिप्स को फॉलो करिएगा अच्छे से, आप रेगुलर वीडियो अपलोड करिएगा, आपका जरूर व्यू आएगा और आपका वॉच टाइम जो उन लोगों का नहीं पूरा हुआ उनका वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो है मोनिटाइज एनेबल भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको जो टिप्स दूंगा 100% वर्किंग है, क्योंकि मैंने इसे अपने चैनल पे यूज करके देख लिया है और मैं इस जो है ट्रिक से अपना एक चैनल मोनिटाइज भी कर पाया। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम दीपक है और मैं कोलकाता से हूँ। मैं आप लोग के लिए जो है मोबाइल अनलॉकिंग टिप्स रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ इसी चैनल पे, अनबॉक्सिंग। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज पहले टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग पहले जो गलतियां करते हैं, बड़े यूट्यूबर लोग का चैनल देखते हैं, वो देखते हैं कि अर्निंग कर रहा है अच्छी खासी और उनके चैनल जैसा अपना चैनल भी बनाना चाहते हैं और जैसे वीडियो अपलोड करते हैं सेम वीडियो आप भी अपलोड करने लगते हैं अपने चैनल पे और देखते हैं कि हमारा व्यूज़ नहीं आता है। तो इसमें एक मिस्टेक ये है कि लोग के माइंड में ये मिथ रहता है कि हम भी एक जल्दी चैनल बनाएंगे और जैसे बड़ा यूट्यूबर कर रहा है वो सेम वीडियो हम भी बना बना के डालेंगे, हमारा चैनल चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला फ्रेंड्स। तो आप उस कैटेगरी का वीडियो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको वो वीडियो चलेगा लेकिन वो बहुत टाइम लगेगा और वायरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेंट बने रहते हैं। तो आपको जो नए यूट्यूबर हैं वो लोग को कुछ हट के करना होगा जो अपने चैनल पे, ताकि उनके चैनल पे व्यू आए। तो यूट्यूब पे जो है सर्चिंग जो कंटेंट है आपको खोजना होगा और आपको गूगल करके निकालना होगा, जो यूट्यूब पे टॉपिक नहीं है उस पे टॉपिक पे वीडियो लाना होगा, या तो यूट्यूब में सर्च करिए जिस टॉपिक पर वीडियो बहुत कम बनी है उस टॉपिक पर वीडियो आप बनाइए, तो आपके चैनल पर देखिएगा व्यू 100% आएगा और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा और आपको लाइक भी मिलेगा। यदि आपके वीडियो में क्वालिटी और कंटेंट अच्छा है, आपका वीडियो वॉइस ओवर भी अच्छा, आप लोग अच्छा सा माइक यूज़ करिए, अच्छा सा वीडियो क्वालिटी दीजिए और अच्छे से अपने जो बातों को समझाना चाहते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ताकि अगला जो वीडियो आपका देख रहा है उसे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टिप्स की तरफ। तो हमारा जो सेकेंड टिप्स है, जो आप लोग यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर के चैनल को देख अपना चैनल बना लेते हैं और उस तरह की वीडियो डालते हैं, तो नहीं होता है इस ट्रिक से काम आपका। तो आपको जो है कंटेंट जो है सर्चेबल बनाना है, तो मैंने बता दिया। आप जो है सर्चेबल कंटेंट कैसे उठाना है, कहाँ से लाना है, तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लीजिए। यदि किसी ने मोबाइल का अनबॉक्सिंग भी किया है, यदि उसने अच्छी चीज़ों को बताया, तो आप उसमें जो कमियां हैं उसे आप फाइंड कर लीजिए। आप बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है अलग से अपने माइंड से सोच के कि इसमें ये हो सकता है, उस तरह से अलग से वीडियो बना लीजिए। यदि कोई चीज़ नहीं आई है उस पर आप वीडियो तुरंत बना के अपलोड कर दीजिए, तो इस तरह से आपके चैनल जो है ग्रो होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग सर्चेबल कंटेंट बनाइए और ताकि आपका चैनल बूस्टअप हो जाए। यदि जिस टॉपिक पे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई मोबाइल अनलॉकिंग पे वीडियो नहीं है, उस पर आप बना डालिए। बाद में अपना कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना आगे चल कर कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा जिस टॉपिक पर आप बनाना चाहते हैं। पहले आपको जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए आपको जो है सर्चेबल कंटेंट बनाना पड़ेगा। इस टॉपिक के जो रिलेटेड आप यूट्यूब पर सर्च करते रहिए, जिस टॉपिक पर वीडियो बहुत कम है, जिस बहुत सारे यूट्यूबर डालते रहते हैं, तो उस टॉपिक पर आप कुछ कमियाँ निकालिए, आप कुछ जो है अलग से उस पर वीडियो बनाइए, तो इस तरह से आपके चैनल पे व्यूज आने लगेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका चैनल ग्रो भी होने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट टिप्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग को जो है आपका वीडियो जो वायरल हुआ है, जो चल रहा है, आपका वीडियो धीरे धीरे देखिएगा आपका वीडियो पे व्यूज आने लगेगा। तो जैसे व्यूज जो वीडियो पे आ रहा है, आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन नहीं देते। बहुत यूट्यूबर होते हैं अपने वीडियो में एंड स्क्रीन कार्ड नहीं लगाते, तो इस तरह से आपका जो है सर्च में वीडियो नहीं आता है। तो अपने वीडियो में कार्ड लगाइए, एंड स्क्रीन लगाइए, जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखिए। तो आपका जो है टाइटल डिस्क्रिप्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए ये टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो है अपना सर्चेबल कॉन्टेंट पर वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोग सर्चेबल कॉन्टेंट पर जैसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को 10-12 वीडियो जैसे ही वायरल होगा, आप लोग का फाइनली चैनल बूस्ट मिल जाएगा आपके चैनल को। उसके बाद आपके चैनल पर जो आगे करना है, आपके 10,000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट हो, तब आप अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत कुछ भी डाल सकते हैं अपने मन से। तो लेकिन जो है अभी शुरू के लिए आपको सर्चेबल कंटेंट पे 10 से 12 या 50 वीडियो बनाइए, जिस टॉपिक पे यूट्यूब पे वीडियो ना हो। आप गूगल सर्च में जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या टॉपिक हमें नया लेना चाहिए, तो उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। और जो वीडियो आपका चल रहा है, जिस वीडियो पे ऑर्गेनिक व्यूज आ रहे हैं, उस वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना ना भूलें। एंड स्क्रीन लगाएंगे तो आपके वीडियो जो नए भी चल रहे थे
वो भी वीडियो आपके चैनल यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स में जाके चेक कर लीजिए आपके 48 घंटे में कौन से वीडियो पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है वो वीडियो, उस वीडियो को एंड स्क्रीन लगाना ना भूले। इस तरह से आप लोग अपने चैनल ग्रो कर सकते हैं। और एक टिप्स है, आप लोग जो है अपना जो वीडियो बनाए हैं उसमें टाइटल थंबनेल जरूर दें, और जो है नॉर्मली भी देंगे, यदि आपका सर्चेबल कंटेंट है आप नॉर्मली टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन देंगे तो भी आपका वीडियो सर्च में आएगा, काफ़ी तेज़ी से उस पर व्यूज़ भी आएंगे। तो टैग टाइटल थंबनेल ये सब मायने रखते हैं, लेकिन आप जो सर्चेबल कंटेंट है वो तो सर्च में आएगा, चाहे आप किस भी तरह का उसमें थंबनेल लगाए हैं चाहे टाइटल लगाए हैं। तो इस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। और अपना जो टाइटल और थंबनेल जो लगाए हैं सही से लगा है या नहीं, तो इसके पता करने के लिए आप लोग जो है बड़ी ऐप का हेल्प ले सकते हैं, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं मैंने टाइटल थंबनेल जो है अच्छे से लगाया है कि नहीं। तो उसमें आपको जो है ग्रीन कलर का टिक देखने को मिल जाएगा अलग अलग, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, यदि सारे में ग्रीन टिक आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए ओके है, हाई रेवोल्यूशन का थंबनेल है। तो इस पे जो है मैं अलग से वीडियो ला दूंगा टू बेडी में आपको कैसे चेक करना है हमारा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही से है कि नहीं। तो आप लोग को उसमें रेकमेंड किया जाता है, तो काफ़ी अच्छे से उस टाइटल थंबनेल पे जो है आपके वॉच टाइम और जो है आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से टू बडी ऐप का भी हेल्प लेके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।